हाँ तो जी अस्सलाम वालेकुम। और हाँ तो ये वही टी शर्ट है जो आपके भाई ने जैना मार्केट से खरीदी। तो यार आज का ब्लॉग थोड़ा सा सीरियस ब्लॉग है और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कोट पढ़ना चाहूँगा। ये मेरी लिखी हुई नहीं है, मैंने खुद फेसबुक पे देखी है। तो कोट कुछ यूँ है, कोई अधूरी ना रहे दुआ किसी की, सब के लिए ऐसा मुबारक हो रमज़ान, आमीन। तो रमज़ान तो ख़त्म हो चुका है और ईद आ चुकी है, तो आप सबको ईद मुबारक। तो यार कहीं कहीं जगह ऐसी थी कि मेरी जो मेरा जो माइक था, आज मैं आपको माइक दिखा रहा हूँ, ये वाला माइक है, वो काम नहीं करता कहीं कहीं। ये बड़ा मुझे तंग करता है यार, अगर कोई बंदा देख रहा है और उसको पता है कि अच्छा माइक तो मुझे बताएं, सही ना, पहली बात थी। और दूसरी बात कहीं कहीं जगह ऐसी थी जहाँ मेरा ये माइक काम नहीं कर रहा था, और कुछ कुछ जगह ऐसी थी जहाँ मुझे याद ही नहीं रहा यार मुझे शॉट लेना है या मुझे वीडियो डालनी है, मुझे क्लिप लेना, क्योंकि मैं चीज़ में इतना खो गया था और उन लोगों के साथ इतना घुल मिल गया था कि ऐसा लग रहा था यार मतलब खुद की फैमिली है वहाँ पर, मैं अपनी फैमिली के साथ ही बैठा हूँ। तो वो चीज़ मुझे याद ही नहीं रही और मेरे दिमाग से निकल गया। तो मैं दिखाता हूँ, ये दो दिन का है, इसको मैंने एक ब्लॉग में समेटने की, समराइज़ करने की, कॉन्ट्रीब्यूट करने की, या कुछ भी समझ लो, मर्ज करने की मैंने इसमें वो की है, कोशिश की है। अगर कुछ आपके भाई से गलती हो जाए तो फिर संभाल लेना, संभाल लो तो ज़्यादा अच्छा। तो यही सब बात है, तो शुरू करता हूँ मैं और आप भी शुरू करें, देखना इंटरेस्टिंग है। और कोई इस व्लॉग को देख के अगर किसी को उम्मीद होती है या इच्छा होती है या फिर कोई भी होती है, कुछ भी होती है, इसको दिल में ख्वाहिश होती है, तो कमेंट कर सकते हो कि यार अगर नेक्स्ट टाइम मैं कब जाऊँगा। मैं जाऊँगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा अपने इंस्टाग्राम पे, अपने फेसबुक पे ज़रूर बताऊँगा कि भाई हम लोग आज वापसी प्लान कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमने प्लान कर लिया है, नहीं ये बात बताऊँ। तो यार इसमें दो इफ्तारी का है, एक है 26वें रोज़े की, एक है 27वें रोज़े की, सही है ना। 26वें रोज़े में हमने कराई थी हमारे एरिया में आयशा मंजिल करियाबाद में, और दूसरी हमने कराई थी 27वें रोज़े को नूरियाबाद में, कराची गेट से आगे हमने, हमको कराची क्रॉस होकर जाना पड़ता है किसी गाँव में। शॉर्ट्स वहाँ के होंगे और बातें यहाँ से होंगी, शॉर्ट बातें इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होगी, बस शॉर्ट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है अगर आप अपने दिल से देखोगे ना यार, अपने जो ये यार नहीं कुछ है मतलब। और मैं इतना उस चीज़ को देख के इंस्पायर हुआ और मैं इतना शुक्र करता हूँ अल्लाह का कि लाख लाख शुक्र के हमें उस काबिल बनाया, हमें इतनी तौफीक अता फरमाई कि मैं वहाँ जाके अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, अपने पुलिस के साथ जाके वहाँ पे सर्व कर सका, कोई खिदमत, कोई वॉलंटरी में भी सर्व कर सका। और बस मैं यार बस अल्फाज नहीं, मैं क्या बोलूँ, बस देखो तुम आओ देखो। तो यार अभी बज रहे हैं 4:15 और मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ, आज जगह बहुत सी जगहों में मैं लेट हो जाता हूँ, तो अभी मैं जा रहा हूँ और देखते हैं कि क्या बात है। जैसा कि मैंने आपको अपने तीसरे व्लॉग में बोला था कि हम लोग बहुत जल्दी एक ना इफ्तारी का मैं व्लॉग बनाऊंगा, जैसे मैंने अपना पहला व्लॉग बनाया था वो बहुत ज़्यादा आप लोगों को पसंद आया था, तो मैं उसी पे एक तीसरा व्लॉग बनाऊंगा मैंने आप लोगों से कहा था। तो आज हम लोग यहाँ आयशा मंदिर के रोड पर, जब ये जो रोड है वो आयशा मंदिर के चौरंगे को टच करता है, और आज हम लोग यहाँ पर इफ्तारी का प्लान कर रहे हैं हम लोग। मैं आपको दिखाऊँगा कि हमने क्या सेटअप लगाया है और पूरा क्या सीन है, चलें देखिए। आज का जो सेटअप है ना, इसके पीछे एक कहानी है, एक स्टोरी है, वो ये है कि हमने लगाया था 26 हमने करा था 20 तारीख को इसी रोड पे इफ्तारी का प्लान। जब हमने वो किया था ना तो वो बहुत मशहूर हुआ था और बहुत लोगों को पसंद आया था, और हमारे पास एक अल्लाह का बंदा आया, उसने भी बोला कि भाई मैं चाहता हूँ कि डोनेशन मैं दूँगा 4 दिन का, आप लोग को सिर्फ ये करना है ये आप लोग को सर्व करना है, और आप लोग जो जिस तरह का आपका रूटीन है, जिस तरह आप लोगों का सेटअप है, उसी तरह का आप लोगों का सेटअप लगाना है, बस आपको जो बिरयानी होगी आपको मैं ला कर दूँगा। तो बिरयानी हमारी तकरीबन पहुँचने वाली है, अभी टाइम को 6:15 हो रहे हैं, बिरयानी
अभी हमारी पहुंचने वाली है और हम लोग अभी काम सब शुरू कर रहे हैं। यार जैसा कि आपने देखा तकरीबन हमें 4 देग बिरयानी का डोनेशन आया है और वो आज हम इफ्तारी में करवाएंगे लोगों को। और इसके साथ हमने खजूर रखे हैं, शरबत रखे हैं, पानी रखा है और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने रखी हैं इफ्तार में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो हमारा 40 किलो का 4 देगों का बिरयानी का सेटअप था, मुझे लग रहा था कि वो बच जाएगा और हमें कहीं और डोनेशन देना पड़ जाएगा, पर वो पूरा 4 किलो का जो हमारा सेटअप था, आई मीन 40 किलो का सेटअप था 4 देगों का, वो पूरा का कम्प्लीट हो चुका है। और तो यही सोच रहा हूँ कि हम लोग जैसे आज हमने इस बार रमज़ान में 2 मरतबा कराई, अल्लाह हमें इतनी तौफीक अता फरमाए कि हम 30 के 30 रोज़े करवा सकें तो और ना और से और ज़्यादा लोगों करवा सके। माशाल्लाह में 300-400 लोगों को हमने ये करवाई है इफ्तारी। यार तो गांव में घुसते ही पहली बात तो ये पता चल गई कि भाई गांव में लाइट नहीं है, सही ना। दूसरी बात ये पता चल गई कि भाई गांव में पानी भी नहीं है। और तीसरी बात ये चल गई कि भाई गांव तो है पर गांव को कोई नाम ही नहीं है। अजीब लगा ना सुन के, मुझे भी लगा। तो घर प्रॉपर नहीं थे, प्रॉपर इन मीन्स के झोपड़े भी देते ना, झोपड़े भी नहीं थे, अलग ही तरह का कुछ था जो मुझे लगता है अगर मैं वहाँ रहूँ और बारिश आ जाए तो मैं नहीं रह सकता, सही ना। तो मैं कुछ भी नहीं था, सांप बिच्छू घूम रहे हैं, किसी को कोई परवाही नहीं है। जब आँखों से देखा ना तो मैं अपना कैसे बताऊँ अल्फाजों में कि मैंने क्या देखा। मैं अपनी मम्मी को भी नहीं बता सका घर पे आके कि भाई मैंने ये सब देखा। मैंने जितना ही बताया ना, पर वो मुझे उन्होंने मुझे बोला बेटा मैं तुम्हारी बात समझ गई।
अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि कुछ मासूम चेहरे और उनकी जो मासूम और इनकी जो खूबसूरत जो मुस्कुराहट थी ना, है मतलब अभी भी होगी इनके चेहरे पे लाजमी है। जब हम गए थे तो हमें देख के तो बड़े खुश हुए थे, हमारे साथ बड़े गुले मिले और हम गए थे उनकी खिदमत करने कि हम उनको सर्व करेंगे। जब हमने उनको पूरा सर्व कर दिया और हम घर वापसी आ रहे थे तो उन्होंने हमें भी चाय पिलाई, हमें भी रखा, एक ही कप में चाय पी रहे थे, एक ही प्लेट में खाना खाया, एक ही गिलास में पानी पिया हमने, एक ही गिलास में हमने शरबत पिया, जब मिल के सब कुछ, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सब एक बराबर। तो मुस्कुराहट चेक करो क्योंकि सारी बात उसी की है। चलो कैसे हो, कैसे हो, कहाँ से आए हो, देख सकते हैं आप कितने प्यारे बच्चे यार। नाम सूचे, नाम क्या है, एजाज है, तुम जुड़ा लो, तुम जुड़ा लो, तुम जुड़ा लो, सिंधी में पूछना और ज्यादा पीने गिलास बोल यार। अब मैं दिखाता हूँ कि दिन ढल चुका था और इफ्तारी के टाइम से काफ़ी टाइम ऊपर हो गया था क्योंकि हमारी जो गाड़ी थी जिसमें बिरयानी थी, इफ्तार था, वो गाड़ी हमारी ख़राब हो गई थी और हाईवे पे, तो गाड़ी को आने में आधा घंटा और लग गया तो, और दिन ढल चुका था, लाइट नहीं है उस गाँव में, लाइट नहीं है, दिन ढल चुका, अब इफ्तार करवानी है। तो हम तीन गाड़ियाँ लाए थे, हमने उन तीन गाड़ियों की लाइट जलाई और हमने किस तरह इफ्तार किया वो आप देखें। इस ब्लॉग में, ब्लॉग तो नहीं बोलूँगा, उस दिन 27 फरवरी में दो बातें सीखने की। पहली, क्या तुम्हारे परवरदिगार ने ना, तुम्हारे खुदा ने तुम्हें जिन भी नेमतों कम दी है, ज़्यादा दी है, कुछ भी दिया है, जितना दिया है उससे शुक्र अदा करो। दूसरी के यार, अगर उसने तुम्हें दिया है ना, उस खुदा ने अगर तुम्हें कुछ दिया है और तुम समझते हो कि है और दूसरे के पास नहीं है और तुम फजूल खर्च करते हो, तो उस फजूल खर्च को बचा के कहीं और खर्च कर दो किसी की मदद में। फजूल खर्च करना मना नहीं है भाई, सबके अपने में शौक होते हैं, करना चाहिए, मैं भी करूँगा, करता भी हूँ, करता रहूँगा, पर कई हद तक कोशिश करता हूँ क्योंकि मैं बहुत कम ऐसा होता है कि भाई बहुत से कम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, अगर मैं कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाता हूँ तो मैं कहीं ना कहीं खिदमत में चले आता हूँ, वॉलंटरी में चले आता हूँ कि भाई अगर आपको मेरी ज़रूरत है रमज़ान के इसी महीने में आप स्टॉल लगा दें, मैं आ जाता हूँ। मेरे कितने दोस्त मुझे बोलते हैं यार फराज आज वॉलंटरी लड़कों की जरूरत है, लड़के करवा दो, अपने दोस्तों को बुला लो, तो मैं अपने दोस्तों के साथ पहुँच जाता हूँ, कभी मैं पहुँच जाता हूँ। तो कभी अगर इतना होता है कि भाई अगर मेरे पास कुछ सेविंग्स बची हैं, चाहे वो 100 रुपये हों, 200 रुपये हो, 300 रुपये, 500 रुपये, कुछ भी, अगर मेरे पास कुछ सेविंग्स बची हैं तो मैं कॉन्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ, कुछ भी कर लेता हूँ। तो आप भी ऐसी छोटी छोटी नीतियों में हिस्सा लें, मैं क्या समझाऊँ, मैं तो इतना सा हूँ अभी, छोटा सा हूँ, इतना मैं क्या समझाऊँ, बस मैं आपको उतना ही शेयर कर रहा हूँ, बाकी
की अपनी मर्जी है। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए ख्याल रखें और